कई बॉलीवुड सितारे ऐसे हैं जिनका नाम कई अभिनेत्रियों से जुड़ा है और शादी की भी खूब चर्चाएं उड़ी थी, लेकिन जब हकीकत में जीवन साथी चुनने का समय आया तो उन्होंने अपने परिवार की पसंद को प्राथमिकता दी। इस लिस्ट में बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर का भी नाम शामिल है, जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी न कर दिल्ली की लड़की से शादी की और पहली ही मुलाकात में दिल हार बैठे थे। आज इस वीडियो में आप देखेंगे शाहिद और मीरा रिश्ते की ओर कैसे बढ़े, कैसे दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और बात शादी तक पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की एक एक्टर का किसी नॉर्मल इंसान से शादी करना हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। जब शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से शादी की थी तो हर कोई हैरान रह गया था। मीरा राजपूत का नाता दूर दूर तक भी बॉलीवुड से नहीं था। उनका जन्म दिल्ली के एक बिजनेसमैन के घर हुआ था। मीरा की माँ हाउसवाइफ है। ऐसे में शाहिद ने मीरा से क्यों शादी की, ये सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में आया था। शाहिद और मीरा परिवार के जरिए एक दूसरे से पहली बार मिले थे। शाहिद और मीरा की पहली मुलाकात एक सत्संग में हुई थी। शाहिद अपने पिता पंकज कपूर के साथ दिल्ली में होने वाले एक सत्संग में आते थे। इसी सत्संग में मीरा की फैमिली का भी आना जाना होता था और यहीं दोनों की मुलाकात हुई। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मीरा राजपूत पहली बार शाहिद से मिली थी तो वो काफी डर गई थी। बताया जाता है कि उस वक्त मीरा ने शाहिद से शादी करने से इनकार तक कर दिया था। इसके पीछे की वजह शाहिद का लुक था। दरअसल जब मीरा शाहिद से मिली थी तब शाहिद फिल्म उड़ता पंजाब की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर का लुक बेहद ही डरावना था, जिसे देखकर मीरा काफी डर गई थी। इसी वजह से उन्होंने शाहिद से शादी करने के बारे में भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें शाहिद अच्छे लगने लगे थे। मीरा की बड़ी बहन ने उन्हें शादी के लिए राजी किया था। शाहिद ने बताया था कि मुझे याद है जब मैं मीरा राजपूत के पेरेंट्स से मिलने दिल्ली वाले फार्म हाउस पर गया था, उस वक्त मैं फिल्म के किरदार के लिए टॉमी वाले लुक में था। मेरे बाल बड़े हुए थे और पोनीटेल रखी हुई थी। मैंने वियर्ड शूज पहन रखे थे एवं बॉडी पर टैटू भी बने हुए थे। शाहिद ने आगे बताया कि जब मीरा के पिता ने उनके स्वागत के लिए दरवाजा खोला तो वह उनके लुक को देखकर घबरा गए थे। उनके मुंह से निकला था, हे भगवान, क्या मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद और मीरा राजपूत की जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी माना जाता है। शाहिद ने जब मीरा राजपूत से शादी की थी तो यह काफी सुर्खियों में छाई थी। लोगों ने इन पर खूब बातें की। एक तो शाहिद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाहर की लड़की से शादी के लिए चुना और दूसरा लोगों को लगता था कि शाहिद लव मैरिज करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। शादी ने मीरा राजपूत से अरेंज मैरिज की। जब शाहिद और मीरा की पहली मुलाकात हुई थी तो एक्टर के मन में सबसे पहला सवाल ये था कि मीरा 13 साल बड़े शख्स से शादी आखिर क्यों करेंगी। इस सवाल के जवाब ने मीरा ने शाहिद से ही सवाल कर दिया था कि आप इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं, जिसके बाद दोनों में खूब बातचीत हुई तो 7 घंटे तक चली। लेकिन शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद मीरा राजपूत के प्यार में ऐसे डूब गए कि अब मीरा से ही वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द खबरी क्लब को आज ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।